अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ एक और फ्लावर की पेंटिंग जो कि अभी बाकी थी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी यह डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज की पेंटिंग में मैं आपको पीलो कलर की एक और जो फ्लावर बचा हुआ है उसको करके दिखाऊँगी। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए फ्रेंड्स, या फिर मेरी यूट्यूब डिज़ाइन से कोई और डिज़ाइन पसंद आए, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, आप कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, स्क्रीन शॉट लेना होगा डिज़ाइन का, उसके बाद मेरे यहाँ व्हाट्सअप करना होगा और व्हाट्सअप करने के बाद आपको प्राइस बताई जाएगी। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फ्लावर करना बताती हूँ। तो साथ ही मैं फ्रेंड्स बताऊँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल आप भी दे दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से, आप सबका ही प्यार है, सपोर्ट है, तब तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं फ्रेंड्स। और अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमारा दिल भी कहेगा और भी वीडियोस बनाने का, और आपको भी अच्छा लगेगा अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, नई नई डिज़ाइन अपलोड करूंगी। तो फिर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर ली और ऑरेंज कलर के साथ हमें कुछ और कलर भी फिल करने हैं तो मैं उसको भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट है जो हम ऊपरी हिस्से में शेड देंगे, और ये रेड कलर है जो हम नीचे में शेड देंगे। जैसे यहाँ से हमें रेड कलर का शेड देना है और पंखुड़ी जो ऊपर का हिस्सा होता है पंखुड़ी का, उसमें हमें वाइट कलर का शेड देना है। तो अगर आप ब्रश का नंबर जानना चाहते हैं तो हमारा 2 नंबर फ्लैट ब्रश है, आप देख सकते हैं 2 नंबर फ्लैट ब्रश से पेंटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आप भी आराम से बना पाएंगे, अगर आप इससे भी नहीं बना पाते हैं तो आप पेन ब्रश का 1 नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ब्रश जो हमारा ब्रश है उसके एक कॉर्नर पे हमने वाइट कलर लिया हुआ है और इस तरह से हम मिक्स करते हुए शेड देंगे और इस तरह से हमारा शेड तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसका जो 2 फ्लावर है, लीफ है, इसकी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दोनों फ्लावर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं लिंक इसकी दोनों फ्लावर की पेंटिंग आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप ब्रश नंबर भी जानना चाहते हैं तो मैंने तो बताया ये 2 नंबर का फ्लैट ब्रश है और कलर का नाम है कैमल फैब्रिका एक्रेलिक कलर। और तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पूछते रहते हैं कौन सा कलर है, तो मैं एक ही कलर यूज़ 2 कलर यूज़ करती हूँ। एक कलर है फेविक्रिल आइक्रेलिक कलर और ये है फैब्रिका आइक्रेलिक कलर, कैमल फैब्रिका आइक्रेलिक कलर, जिसका बॉटल चौकोर होता है और फेविक्रिल वाला जो कलर होता है वो राउंड शीशी होती है उसकी, उसका बॉटल मतलब राउंड होता है, राउंड शेप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शेड जो है इस तरह से वाइट कलर का रहेगा, दोनों कलर को हम मिक्स करके अच्छे से इसमें शेड देंगे। इसी तरह से हम बाकी के फ्लावर बनाएंगे, पहले जितनी भी हमारी छोटी पंखुड़ियाँ ऊपर की उससे हम तैयार करेंगे और ऊपरी हिस्से से तैयार करेंगे, फिर नीचे का हिस्सा जो है कलर करेंगे, ताकि जिसमें हम अगर फिनिशिंग देना चाहते हैं तो उस आराम से हम फिनिशिंग दे पाएँ। जितनी भी ऊपर की रहेंगी, जैसे जैसे इसके अंदर की पंखुड़ी रहेगी, जैसे सबसे ऊपर की जो है फिर उसके नीचे जो रहेगी वो करेंगे, जब हम वाइट कलर का शेड देंगे उसमें तो हमारे ऊपर जो पहली पंखुड़ी है उसके नीचे में फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी पेंटिंग काफ़ी अच्छी और खूबसूरत होती है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैंने सबसे फर्स्ट में जो लीफ किया है उसके थोड़े से अंदर दूसरी लीफ है और उसके अंदर ये जो तीसरी लीफ कर रही हूँ उसके अंदर, तो जब हम वहाँ पे वाइट कलर लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी इस साइड। तो नीचे से हमें रेड कलर का लगाते हुए अच्छे से मिक्स करना है
वीडियो में ज़्यादातर रेड कलर समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन काफ़ी सामने से काफ़ी अच्छा दिख रहा है रेड कलर इसमें ऑरेंज कलर में, और हमारा शेड काफ़ी अच्छा बन रहा है और अच्छा सा दिख रहा है फ्लावर। अभी आपको पूरी पेंटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है फ्लावर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी कॉर्नर डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो इसकी कॉर्नर डिज़ाइन बन जाएगी। अगर आप इसका अगर आप इस सर्कल में बनाना चाहते हैं तो सर्कल में भी बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है ये कॉर्नर। अगर आप कॉर्नर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो कॉर्नर डिज़ाइन में आपके लिए जो इतनी डिज़ाइन बनी है तो इसको कॉर्नर डिज़ाइन के लिए बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे सर्कल देना चाहते हैं तो इसी तीन फ्लावर से आप सर्कल बना सकते हैं और आपका प्यारा सा सर्कल तैयार हो जाएगा और आपकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत सी बन जाएगी। अच्छी सी बेडशीट आप तैयार कर सकते हैं इन डिज़ाइन से। सिर्फ आपको समझ चाहिए कि किस तरह से हम अपने बेडशीट पे इसको डिज़ाइन करें कि हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाए। तो ये जो तीन फ्लावर है, अगर आप इसको राउंड से देंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और अगर इसी फ्लावर में अगर आप कॉर्नर डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आपकी ये डिज़ाइन पीलो कवर पे हो जाएगी और इसी डिज़ाइन को थोड़ी सी और बढ़ा के हमारी कॉर्नर डिज़ाइन बन जाएगी। तो आप चाहे कॉर्नर डिज़ाइन देना चाहें या फिर सर्कल डिज़ाइन देना चाहें, आपकी बेडशीट पर दो डिज़ाइन बन जाएगी आराम से। तो अगर आप इस डिज़ाइन को मंगवाना चाहते हैं या फिर मेरे यूट्यूब से कोई भी डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो बेझिझक मंगवा सकते हैं, आपको डिज़ाइन मिल सकती है इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने पेंटिंग बताई है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि पेंटिंग किस तरह से की गई है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारा शेड कैसे मिक्स कलर में हमें कलर का शेड कैसे देना है और कलर को किस तरह से मिक्स करना है। इसमें मैं इस वीडियो में ज़रा सा भी एडिट नहीं की हूँ। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बराबर समझ आएगा कि किस तरह से हमें पेंटिंग को किस तरह से करना है। बहुत ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। इस तरह से आप देख सकते हैं आपको अच्छे से पेंटिंग आएगी काफ़ी अच्छे से। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके फ्लावर खूबसूरत आएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप ध्यान देंगे तो आप भी अच्छे से अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। फिर आऊँगी मैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।